नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ पर। दोस्तों इस वक्त खड़े हैं हम लाडवा बंसल हॉस्पिटल के पास, जहां आज किसान आंदोलन का 120वां दिन पूरा हो चुका और उसी तहत आज भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने इस वक्त पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया था, उस आह्वान के तहत आज लाडवा बंसल हॉस्पिटल पर जो पूरे भारत की सड़कों को भी जाम किया जाएगा, भारत बंद का आह्वान किया था, पूरे बाज़ार बंद किए जाएंगे, उसके तहत भारतीय किसान यूनियन के सदस्य इस वक्त बंसल हॉस्पिटल मेन चौक पर आ चुके हैं और हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सीधा लाइव यहां से दिखाएंगे कि उनकी इस कार्यक्रम को लेकर क्या रणनीति है। आम जन को जो परेशानी भी हो सकती है भारत बंद की वजह से, कुछ जो सामान लोग नहीं ले पाएंगे वो नाम, और जो छोटे छुटपो दुकानदार हैं वो जिनका जीवन यापन जो मात्र प्याज की दुकानदारी से जिनका राशन पानी चलता है, जिन कामों को प्रभावित होंगे उन सभी कामों के कड़ी के साथ भी आपको हर चीज़ एक पूरे तरीके से दिखाई जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से कि ये आंदोलन सही है या गलत। यहाँ अधिकारी और आम जनता से भी पूछा जाएगा कि इतनी परेशानी जो होगी उसका खामियाजा कैसे पूरा किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के इस टाइम सभी अधिकारी और सदस्य इस वक्त लाडवा के अंदर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पूरी तरह सड़कों को जाम कर दिया गया। हम आपके चैनल के माध्यम से अभी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके पूरे कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से एक किसान नहीं है, पहाड़े के टट्टू हैं। किसानों के सारे काम रुक रहे हैं भाई साहब, जितने भी किसानों के काम है ना, जो ओरिजिनल किसान है। इस आंदोलन के बारे में भाई साहब आंदोलन प्यार शांति से होता है, लेकिन जो किसानों के काम है, किसानों के बागों में सपरे चल रहे हैं, उन्हीं किसानों की दवाइयों को रोका जा रहा, तो काहे का किसान आंदोलन है? किसानों को तो विपरीत आंदोलन हो रहा है, ये तो भाई साहब पार्टीबाजी का आंदोलन है और कोई किसानों का आंदोलन नहीं। आप सर कहाँ से हो? मैं भाई साहब करनाल से हूँ। आप क्या काम करते हो? मेरे अपने बाग हैं, बागों में सपरे चल रहा है, और मैं अगर सपरे नहीं करूँगा तो मेरा सारा कोर नष्ट हो जाएगा, तो उसका फायदा क्या हुआ? हम किसान हैं और हमारा ही नुकसान हो रहा है, काहे का आंदोलन है भाई साहब ये? ठीक है भाई साहब, ये टोटली फ्रॉड आंदोलन है और कुछ नहीं है। धन्यवाद भाई साहब आपका सच्चाई बोलने के लिए। तो ये तो एक भाई साहब इनका कहना था कि ये एक फ्रॉड आंदोलन है और राजनीति की जा रही है। अभी इसी तरीके से और भी लोग हमारे साथ मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे किस आंदोलन के बारे में, कि उनका क्या कहना है। इस वक्त यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य अधिकारी जन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, सड़कों के ऊपर बैठ चुके हैं और अपने गाड़ियों को इन्होंने सड़कों के बीच में लगा दिया गया है ताकि आमजन किसी भी तरीके से यहाँ से ना निकल पाए। आमजन को जो परेशानी होगी उस आमजन की परेशानी को भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे कि वो इस परेशानी के बारे में सरकार के साथ हैं या आम आदमी के साथ या किसानों के साथ। पुलिस प्रशासन भी इस वक्त पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर और अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हरियाणा अग्निशमन पर आप कल सेवा की लाडवा की फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर मौजूद है, किसी तरीके का कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पर ना घटे। और सड़कों को जाम कर दिया गया, लंबी लंबी ट्रकों की लाइनें यहाँ लग चुकी हैं, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त की। और किसान यूनियन के सदस्यों ने और किसानों ने इस वक्त सड़कों के ऊपर अपने ट्रैक्टर बीचम बीच लगा दिए हैं ताकि कोई भी व्हीकल यहां से निकल ना सके और जाम पूरी तरीके से बंद हो और आज का जो भारत बंद का ऐलान किया गया है वो पूरी तरीके से सफल हो, उसी की कड़ी के तहत आज सभी किसान भाई इस वक्त सड़क पर आ चुके हैं और उन्होंने अपने ट्रैक्टर ट्रालियों से रोड को जाम कर दिया गया। बड़ा छोटा कोई भी व्हीकल सड़क से ना निकले उनकी पूरी योजना इसी तरीके का, और जो ये आंदोलन है पूरी शांतिप्रिय ढंग से, किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है और कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं छोटी बड़ी मोटरसाइकिल शायद निकल जाती है मगर बड़ा व्हीकल किसी को भी नहीं निकलने दिया जा रहा है, सड़कों के बीच में आपने लगा दिया है। तो आप देख पा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरों के अंदर इस वक्त लाडवा बंसल हॉस्पिटल से किसानों द्वारा किए गए बंद के आह्वान को लेकर इस वक्त सड़कों पर अपनी अपनी गाड़ियों को लगाकर बैठे हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे तत्पर है कि आज ये आंदोलन जो 100वां दिन, इस 120वां दिन आज इसको पूरा हो चुका है और उसी के उपलक्ष्य में आज इन्होंने ये कार्यक्रम किया है। तो आज बात करते हैं इस वक्त जो हमारे साथ यहाँ किसान, भारतीय किसान यूनियन के सदस्य हैं और आप पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, अमरीक सिंह जी। नमस्कार अमरीक सिंह जी। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? बढ़िया बढ़िया जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाँ जी, हाँ जी,
भाई साहब, आज किसान आंदोलन का 120वां दिन पूरा हो चुका है और उसी कड़ी के तहत आज ये पूरे भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, आज क्या कहना चाहोगे? 120 दिन से जो तीन काले कानून केंद्र सरकार ने बनाए उनके खिलाफ दिल्ली में और देशव्यापी धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, उसी के संयुक्त किसान मोर्चा ने आज आह्वान किया कि भारत बंद है। उसी के एवज में आज लाड़वा में भी रोड जाम किया गया और भारत बंद का किसान और भरपूर, आपने देखा होगा कि शहर में भी लोग दुकानें बंद करके समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि ये देहात है और देहात का जितना भी बिजनेस है वो ग्रामीण इलाकों से चलता है, किसानों से चलता है, सभी के बिजनेस पे महंगाई। इस सरकार ने आज सिलेंडर, तेल पे 100 रुपये में से 63 रुपये तो टैक्स ले रहे हैं, ऐसे ही ये अनाज पर करना चाहते हैं। अनाज सस्ता खरीद के आपको, जैसे तेल सस्ता बाहर से खरीद रहे हैं, सस्ता अनाज खरीद के आपको महंगा बेचेंगे और लोगों को भुखमरी का शिकार होंगे। प्राइवेट की तरफ सरकार ले जा रही है देश को, जो कंपनी राज अंग्रेजों के टाइम में था वही कंपनी राज दोबारा से देश के ऊपर हावी हो रहा है। ये लड़ाई पूंजीवाद के खिलाफ है किसानों की। तो अमरीकी, जैसे कि आप पार्टी से भी संबंध रखते हैं, इस वक्त आप पार्टी का जो पहले पार्टी बाद में है, पहले मैं किसान हूँ, किसानों के से आया हूँ। पार्टी भी हमारी शुरू से ही इसके समर्थन में है। दिल्ली में जो पूरा 9 स्टेडियम मांगे थे केंद्र सरकार ने जेल बनाने के लिए, तो केजरीवाल जी ने पहले ही मना कर दिया था कि हम जेल बनाने के लिए किसानों के लिए नहीं देंगे, क्योंकि ये इनकी मांगे जायज है और केंद्र सरकार इन मांगों को माने और तीनों काले कानून रद्द करे और MSP का कानून बनाए, जिससे सिक्योरिटी हो, कम से कम का भी निर्धारित हो और ज़्यादा से ज़्यादा का भी निर्धारित हो, क्योंकि काला बाजारी देश पर हावी ना हो। अगर 20 रुपये में खरीदे ऊपरला रेट भी होना चाहिए कि वो 25 में बेच सके, ये नहीं कि 20 रुपये की चीज़ आपको 100 रुपये में मिले। तो जिस वक्त अभी कृषि मंत्री तोमर जी ने पीछे एक बात भी कही थी, हम तो बात करने को तैयार है मगर किसान बात करने नहीं आ रहे हैं, हम तो निमंत्रण दे रहे वो नहीं आ रहे हैं, तो जैसा क्या कहना है ऐसा है? ये तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कॉल दूर है, पर कॉल जब करेंगे तभी तो पहुंचेंगे, जब ही तो बुलाएंगे, कोई कॉल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं है। 12 बार लगभग फैसले के लिए बैठक बिठाई गई थी मगर उस बैठक में भी कोई समझौता नहीं हुआ, क्योंकि सरकार क्लियर एक बात कह रही है कि कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन हो सकता है, तो संशोधन में कुछ शर्तें हैं, ये संशोधन के लिए MSP का हो गया या कोई भी 2-3 बातें होती जिनके लिए करने को तैयार थे वो, तो उस पर क्यों नहीं, मतलब ऐसा है जो कानून में संशोधन कर रहे हैं, कानून में है ही कुछ नहीं, जो इतने संशोधन कर दोगे कानून का मतलब क्या है उसका, तो इसे कानून को रद्द करके दोबारा से टेबल पे बैठ के किसानों के एक संस्था बना के, एक कमेटी बना के इसको दोबारा से अच्छे तरीके से लाया जाए। तो प्राइवेट की तरफ सरकार जा रही है और पूंजीपतियों के हाथों में सरकार बिकी हुई है। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ इस वक्त आप पार्टी के कार्यकर्ता अमरीक जी, जो यहाँ से पदाधिकारी भी हैं आपसे, तो उन्होंने अपने विचार दिए कि ये किसानों के खिलाफ जो कानून बना है इसमें कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ही किसानों का नुकसान है और किसान भाई अपने हक की लड़ाई लगभग 100 दिनों से लड़ रहे हैं, इस 120 दिन हो चुके हैं, आज 120वें दिन के उपलक्ष्य में इन्होंने इस कार्यक्रम को रखा था, ये पूर्ण तरीके से इसके समर्थन में। और भी हमारे साथ किसान भाई यहाँ पर, उनसे बात करेंगे इस विषय में कि उनका क्या कहना है आज इस आंदोलन के बारे में। लोग इस वक्त निकलने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं रोड के ऊपर, देखो आम आदमी को भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। तो अभी बात करते हैं किसान आंदोलन के अन्य अधिकारियों से। इस वक्त यहाँ पे हमारे साथ, हमारे लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इस सड़कों के बीच में जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, आमजन जो छुटपुट मोटरसाइकिलें भी हैं शायद वो निकल तो रही हैं मगर परेशानी कहीं ना कहीं हो ही रही है। और इस वक्त यहाँ कृष्ण अधिकारी जो खड़े पत्तीस मार के चल रहे सारे यहाँ, वो भी हैं हम भी हैं। क्या नाम है? बलजीत। तो हमारे साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के बलजीत जी हैं जो बात कर पाएंगे। बलजीत जी जी, राम राम जी, राम राम जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के जो इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहोगे जो आज ये बंद किया है? आज बंद किया है, जैसा कि सभी को मालूम है कि 4 महीने से सभी बॉर्डरों पर, दिल्ली बॉर्डरों पर किसान बैठे हैं, सर्दी में, गर्मी में, फसल का टाइम है, अपना काम छोड़ के अब भी वहाँ पर तैनात हैं। लेकिन ये जो है सरकार, जो है बेशर्म सरकार, इसको शर्म नहीं आ रही, किसानों की कोई सुनवाई नहीं कर रही, इसलिए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ
किसानों को 26 मार्च का आज का बंद किया गया है। तो जैसे बंद तो पहले भी हो चुका है, कई बार जाम भी हो चुका है, तब भी सरकार के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज इस बंद से लगा लो या कुछ भी कहो, आम जन को भी कुछ ना कुछ परेशानी होगी, तो उसके लिए कोई सुनिश्चित इंतजाम देखो होना चाहिए। आम जनता की किसान समझता है, लेकिन किया क्या जाए, कोई और इससे और नहीं है। किसान के पास और कोई चारा भी नहीं है। पिछला पूरा साल कोरोना में चला गया, आम आदमी बेरोजगारी की मार, जैसे सभी कहते हैं कि सरकार ने बेरोजगारी कर दिया है, तो कोरोना की मार से पहले ही 5-4 महीने दुकानदार बंद रहे हैं, और अब त्योहारों का टाइम 3 दिन हो गए, त्योहार रह चुके हैं होली के पर्व को, और आज दुकानें बंद होंगी। और उधर से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दे दिया कि सार्वजनिक रूप से होली का पर्व नहीं मनाया जाएगा, आगे आने वाले ईद या कोई दूसरे पर्व भी नहीं मनाया जाएगा कोरोना को देखते हुए गाइडलाइन के मुताबिक। तो आम जन जैसे छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनकी रोजी रोटी भी इससे चलनी है, उनको बहुत बड़ा असर पड़ेगा, उसके लिए क्या बनाया आपने बात? मतलब उसके लिए तो सरकार को भी सोचना चाहिए ना, अकेला किसान तो इसका जिम्मेवार नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ भाई। ये आम आदमी छोटा वर्कर, ये जिम्मेदार भी तो छोटे ही हैं, ये 4 महीने से वहाँ परेशान हो रहे हैं, कोई भी मीडिया उसको जिम्मेदार नहीं दिख रहे, और ये सरकार है। अगर मान जे सरकार परेशान कर रही है, जिम्मेदार परेशान नहीं कर रहा है, अगर जिम्मेदारों के तीनों काले कानून वापस ले ले तो जिम्मेदार तो अपने घर जाके आराम से बैठ जाएगा, जिम्मेदार को किसी से कोई दिक्कत नहीं है, पर अपना हक मांगने के लिए उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है और आना पड़ेगा, और आते रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं मिल जाता। धन्यवाद भाई साहब। और जो इसके अंदर आए हैं काले कानून आ जाओ, बताओ इसके जो छोटे दुकानदार है, वैसे मजदूर है, इनको भी तो इसके जेल नहीं पड़ेगी जो जिम्मेदार के ये कानून बंद नहीं करेगा। तो इनके आने वाले समय के अंदर इस कानून से क्या होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है। चलो आप किसान भाइयों ने एक अच्छी सोच सोची है कि MSP की 2000 रुपये का अनाज लेने के बाद जो आगे बड़ा व्यापारी वर्ग है उसको किस रेट में बेच सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं हो रही है। सरकार को उसके ऊपर एक कानून बनाना चाहिए कि वो भी कितने रेट में कभी ब्लैक मार्केटिंग ना हो जाए। तो ये आपकी अच्छी सोच है, मगर आज एक मजदूर जो एक छोटा बिल्कुल ही मजदूर है, जैसे रिक्शा चालक है या कोई ऑटो चालक है, उसके लिए आज सवारियाँ नहीं मिल पाएंगी, उन्हें छोड़ आज उसकी रोजी रोटी भी तो जाएगी। उसके बारे में ये सरकार को चाहिए, सरकार को भी मतलब गरीब करना सोच रही है, हमको भी, हम कोई बड़े मतलब जिम्मेदार नहीं है, किले दो किले के आधा आधे किले के मालिक हैं, और उनकी भी मतलब जो अपना समर्थन मूल्य मांग रहा है, तो वो जो रेट पर फसल नहीं बिकेगी तो यह बेरोजगारी होगी, तो मजदूर जो हमारे पास काम करते हैं उनकी बेरोजगारी होगी, जो छोटे दुकानदार हैं उनकी बेरोजगारी होगी, ये जो काले कानून है इनको मतलब जो रोजी रोटी अपने तिजोरी में बंद करना चाह रहे हैं, बड़े बड़े अडवाणी और अंबानी के, उनमें वो अपनी रेट में बेचेगी तो उससे भी गरीबी आती है ना, सरकार गरीबी लानी चाहती है, गिराब इनको आत्मनिर्भर नहीं बनाना चाहती, क्योंकि कोई भी चीज़ है अपने रेट से खरीद कर हम मुनाफा तो लेता है, इनकी रेट पर भी नहीं बिकती है, 1850 रुपये या 1900 रुपये कणक का रेट है, वो कणक उस रेट में भी नहीं बिकती है, और जो जीरी है, जीरी का 1850 का रेट है, वो 1850 के बजाय 1100 रुपये में बिकती है, सूरजमुखी 700 रुपये में बिकती है, बाकी का 1850 रुपये रेट है वो 1100 या 1700 में बिकती है, ये कहाँ का कानून है, ये तो काला या अंग्रेजों से भी बदतर है, इसको चाहिए हमारे जो प्रधानमंत्री है इनको चाहिए, क्योंकि ये भी देश के एक नागरिक हैं, इनकी भी वो देखना चाहिए, या सारी चीज़ सस्ती कर दे, नाच को भी सस्ता कर दे, और जो पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, खाद दवाई कितनी महंगी है उसको भी सस्ता कर दे, जब गरीब भी बच जाएगा, मजदूर भी बच जाएगा, जिम्मेदार भी बच जाएगा, सारी चीज़ को सस्ता कर दिया जाए। धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ किसान भाई, जिन्होंने आमजन की समस्या को भी एक बात कही है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई के ऊपर भी कंट्रोल किया जाए, पेट्रोल डीजल जो बढ़ा हुआ है वहाँ भी तो आम आदमी को दिक्कत होती है। हम इस वक्त आम आदमी को भी अपने साथ जोड़ेंगे कि उनका इस बात को लेकर क्या कहना है। तो बने रहिए हमारे चैनल के माध्यम से, हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से, हम आपको दिखा रहे हैं सीधी लाइव तस्वीरों के अंदर। तो आम जन से बात करते हैं कि वो क्या कहेंगे। हाँ जी सर, कुछ कहना चाहोगे आज इस बंद के बारे में? जैसे आज किसान कह रहे हैं कि ये उनके हक की लड़ाई नहीं, सभी आम जन की लड़ाई है, सभी जन की लड़ाई है भाई, ये थोड़ी करे आज को झड़े दे रहे, वो कार काट दी, वो कार क्यों काट दी, ये तो कार ही ना काट दे हमारे सामने, कार काट दी, ये बस चलेगा जाना, हमने कह रहे पहले चल जाते, ये हमें इस बात थोड़ी पता, अब तो हम रास्ता जानते रहे खड़े यार, बच्चा कार काट दी, हमारी मोटरसाइकिल काट दी, बच्चा मारे गए लो यार। ठीक है जी, यार किसान तो हम भी है, किसान तो हम भी है, ये थोड़ी किसी के बच्चा लेकर रास्ते में खड़े हो गए साथ में है, और जिस बच्चे के लिए कुछ कुछ पानी चढ़े छोड़ कौन इसका मालिक है, क्या दिक्कत हो रही भाई, क्या दिक्कत हो रही, रुक जाओ भाई, क्या दिक्कत हो, कहाँ जाना भाई, कहाँ जाना,
किसान भाई भी हाथ जोड़कर अपील करते हुए कि आम आदमी से कि जो समस्या आप लोगों को उसके लिए भी वो क्षमा प्रार्थी हो रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं आम इंसान को जो दिक्कत हो रही है उससे आम जन भी नाराज है कि बंद से कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है। तो किसान भी कहीं ना कहीं जाए जाए अपनी मांगों के लिए और आम आदमी भी जाए जाए अपनी आम आदमी भी कहीं ना कहीं जाए जाए। देखो तो हमारे चैनल के माध्यम से आपने दोनों तरह की ही बातचीत देख रहे हैं कि आम आदमी जो दिक्कत और परेशानी से जूझ रहा है तो उस दिक्कत परेशानी को भी मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं एक सहयोग रूप अख्तियार करना चाहिए। किसान भाई इस वक्त अपनी मांगों के लिए लगे आमजन के लिए लड़ रहे हैं, उनका ये कहना है, मगर आमजन को जो परेशानी हो रही है उसको कैसे देखा जाए, उसको कैसे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें लाड़वा के बंसल हॉस्पिटल से हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे ताकि और भी लोग इस वीडियो को देखते रहें और आज जो ये बंद किया गया है इस बंद को लेकर जो भी आपकी राय हो हमारे साथ इस हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट जरूर करें, तो बताएं हमारे इसको कि कितने लोग समझते हैं कि ये तरीका सही है या गलत है। आम जन को जो परेशानी हो रही है इस वक्त, बहुत से लोग अपने कामों पर जा रहे हैं, किन्हीं के बच्चे बीमार हैं, कोई दवाई देने के लिए जा रहा है, मगर शायद ये रोक रहे हैं सभी को, मगर आम जन इसका भी इसमें रोष होगा कि उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है। कोई बड़ी गाड़ी निकाल दी गई, आम आदमी भी ये बात कह रहा है कि हमें उनको निकाल दिया, हमें नहीं निकाल रहा, तो आम आदमी बहुत परेशान है और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य में जुटे हैं कि किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना ना हो। पुलिस पूरी मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है और सीए साहब भी यहां पर खड़े हैं कि सारी इंक्वायरी और बातचीत को बताने के लिए। और अभी किसान जो लोग हैं अपने अपने साधनों से, ट्रैक्टर ट्रालियों से, गाड़ियों से, मोटरसाइकिलों से सड़कों पर आ रहे हैं और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अभी हम आपको बाज़ार चौक की तरफ का भी रुख करके दिखाएंगे, मेन बाज़ार जो कल आह्वान किया गया था किसानों द्वारा कि ये बंद जो है संपूर्ण रूप से, और दुकानों से अनुरोध किया गया था सभी अपनी अपनी दुकानें बंद हों। और आज देखते हैं बाज़ार शहर लाड़वा के अंदर जाकर कितनी दुकानें बंद हैं और कितनी खुली हुई हैं, क्या असर है इस वक्त आमजन का इस आंदोलन को लेकर। और आमजन से भी बात करेंगे, जो लोग अपने घरों से निकले हुए हैं अपने गंतव्य तक जाने के लिए, जो उनको परेशानी हो रही है इस वक्त, उस परेशानी को देखते हुए उनसे भी बातचीत की जाएगी कि आज जिस तरीके से आंदोलन चला हुआ और ये दूर दूर से लोग अपने गंतव्य की तरफ जाने को तैयार हैं, तो वो क्या कहना चाहेंगे आज इस बंद के बारे में। आम आदमी को जो परेशानी है, जो लोग निकल रहे हैं वो भी क्या कहना चाहेंगे इस मामले में। पुलिस बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है, तो देखिए आम जन अपने सड़कों से वापसी की तरफ कहीं और से रास्ता ढूंढते हुए कि जाना तो है ही अपने घर पर लेकिन कोई और रास्ते लंबे रास्तों से निकलता परेशानी का सामना करते हुए इस आंदोलन के ज़रिए आप यहां पर देख सकते हैं बंसल हॉस्पिटल से सीधा लाइव हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा मीडिया न्यूज़ के माध्यम से। दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, कृपया हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि आप जो है सीधा लाइव हमारे चैनल के माध्यम से आप देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहें हमारे साथ। जो भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं कृपया वो अपनी फेसबुक से लाइव से शेयर जरूर करें ताकि ये पोस्ट बहुत दूर दूर तक जाए और सभी इसको देखें। हम आज सीधा लाइव आपको दिखा रहे हैं सच और झूठ के लिए कि आंदोलन कितना सही है, कितना आम आदमी कितना समझते हैं इसको सही है या गलत। आप देख रहे हो हमारे चैनल के माध्यम से लगातार इसको शेयर करते रहें ताकि और लोग भी इस सीधे लाइव को देखें। आज हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे आपको हर चीज़ क्लियर दिखाने की और सही तरीके से दिखाने की। दोस्तों सिर्फ एक ही अनुरोध है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग सुन पाएँ आम आदमी की आवाज़ भी और किसानों की आवाज़ भी और फैसला करें कि कितना सही है कितना गलत है। हम दिखा रहे हैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सीधा लाइव इस वक्त
बंसल हॉस्पिटल लाड़वा से रादौर मार्ग जो यमुनानगर जाता है कुरुक्षेत्र की से होते हुए आमजन को जो हो रही है परेशानी उसके मद्देनज़र आपको सीधे लाइव हम दिखा पा रहे हैं। इस वक्त देखिए कितने लोग अपने गंतव्य की तरफ घर से निकले हुए हैं या अपने घर की तरफ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सीधा लाइव। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ। दोस्तों हम आपको सीधे लाइव तस्वीरों में सच के साथ दिखाएंगे आज कि कितना सही है कितना गलत। हॉर्न बजाओ जो था ना हमारा समर्थन, तो खड़े में रोज प्रदर्शन करा, जो कोई समर्थन करेगा तो जिसने अनुकारे भाई हमारा समर्थन करो तो हमें हॉर्न बजाओ। भैया आप ये ले रखा है बैनर, आपने लिखा हुआ है नो फार्मर नो फूड प्रो, क्या मतलब है? यदि फार्मर रहा भाई तो फार्मर रहने का तो खाने का छोटे किसान भी इस वक्त है, बच्चे भी इस आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं। किसान यूनियन किसान यूनियन किसान यूनियन मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा रहा है, जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा रहा है। भारतीय किसान यूनियन साडा हक साडा हक किलो काले करोड़ बंद करो, बंद करो जी, बंद करो, आप देख सकते हैं प्रचुर युवा। मैं आज यह एक छोटा सा बच्चा केंद्र का राज्य सरकार को तो आगे की लाइव तस्वीरों के साथ हम आपको बाजार में लेके चलते हैं। मेन बाजार की बंद का कितना असर है, कितनी दुकानें बंद है, कितनी खुली हुई हैं, और दूसरे लाइव के अंदर लाइव वीडियो के अंदर हम आपको फिर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे मीडिया चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ आपको सीधी लाइव तस्वीरों में बाजार का पूरा हाल दिखाएंगे कि कितना सही है कितना गलत। आम जन की परेशानी, दुकानदारों से बात करेंगे कि दुकानदार बंद करने से दुकानदारों को क्या नुकसान हो, क्यों इस आंदोलन को कितना साथ देते हैं और कितना नहीं, तो बने रहिए। तो धन्यवाद, बने रहिए हमारे चैनल हरियाणा मीडिया न्यूज़ के साथ। अभी आपको लाइव तस्वीरें मेन बाज़ार से भी तस्वीरें दिखाएंगे कि कितनी दुकानें बंद हैं, कितनी खुली हुई है, और किस तरीके का अनुरोध कल किया था तब उन्होंने बंद किया है या नहीं, सभी आपको स्पष्ट और साफ तरीके से दिखाया जाएगा। धन्यवाद।